ये एनिमे हमारा नहीं है, क्यों हमने इसे एक्सप्लेन किया। तो स्वागत है आप लोग अपने चैनल एनवर्टन पे, आने वाले इन रेगुलर मैजिकल हाई स्कूल का एपिसोड नंबर 19 को। तो उससे पहले इंपोर्टेंट बात बता दूं कि जो बंदे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप लोग एक भी वीडियो को मिस ना करो, जैसे मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ वैसे आप देखने को मिले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एक लाइक कर दो और साथ साथ कमेंट में मुझे अच्छे से बताओ कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, बताया जाता है कि एलियन का सामान लेकर जा रहा है एक शिप के अंदर, इसके लिए इंस्पेक्टर उसने पीछा कर रहे होते हैं और एक इंस्पेक्टर कंप्लेन कर रहा होता है कि भाई मेरे को नहीं दौड़ना है, ये काफ़ी लंबा रास्ता हो रहा है। तभी दूसरा इंस्पेक्टर वो इस अक्का को बोलता है कि देखो कंप्लेन करना बंद करो और जल्दी चलो, और वो तेज़ी से दौड़ कर वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं, जिसके सामने इजा का आ जाता है और कहता है कि हम पुलिस है। उसके बाद वो लोग उस पर सीधा ही हमला करने लगते हैं। तभी वो अपने शॉट का इस्तेमाल करके नीचे एक क्या करते स्केटबोर्ड टाइप बना लेता है, जिसके बाद उन सारे अटैक से वो बचता हुआ आगे चला जाता है, फिर कर रहा होता है। फिर भी उसके आसपास देखते हैं गोली और चल रही होती है, जिसके बाद उसका जो पीछे का पार्टनर होता है वो क्या करता है उन बंदों को ढेर कर देता है, जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि जो बंदे हैं वो मारे जा चुके हैं पर शिप तो ऑलरेडी निकल चुकी है। इस चीज को देखकर इजा का बोलता है कि देखो मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा बिना कैप्टन की बात को सुने हुए। और उसके बाद वो दूसरा वाला बंदा बोलता है कि मुझे कैप्टन ने ऑर्डर दिया इसे रोकने का किसी भी हालत में, और इसलिए वो एक बुलेट को उसमें शूट करता है अपने मैजिक की मदद से। उसके बाद एक जोरदार धमाका होता है, इजा का अपनी शॉट का इस्तेमाल करके तेजी से उड़कर उसके अंदर जाकर तोड़ देता है और अंदर घुसकर देखता है पर उसे कुछ भी वहां नहीं मिलता है। दूसरी तरफ एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा एक कुएं से कुछ लोग आने लगते हैं और वो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है तूने, और उसके बाद उसका बटलर जियो वो बोलता है कि मैंने आप लोगों के लिए खाना बना दिया है, तो सबसे पहले जाके अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। और वो बोलते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और उसके सामने से चले जाते हैं और वो बटलर उन्हें बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। यहाँ बाद में पता चलता है कि यहाँ पे ईचेन प्रेसिडेंट बन चुकी है और यहाँ पे हमारी ओनी की बहन है वाइस प्रेसिडेंट, और वो उस पे पास जाती है ओनी के पर ओनी बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे आना क्या ठीक है, अभी भी तुम तो ये बनी हो। म्यूजी उसे जवाब देती है कि देखो वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मेरे को इतना ज्यादा काम नहीं है, सबसे ज्यादा काम तो ईचेन को है और उसकी मदद होना और बाकी लोग कर रहे हैं, तो मैं अभी फ्री हूँ इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई, और अभी तुम कर क्या रहे हो। और वो बताता है कि वो इस तरफ टेबल को देख रहा है और वो फिलिप स्टोन के बारे में रिसर्च कर रहा है और उसके बारे में नेचर के बारे में वो देख रहा है। इस चीज को देखकर यहाँ पे ओनी की बहन बोलती है कि क्या तुम मटेरियल चेंज मैजिक पे काम कर रहे हो, और ओनी बोलता है अभी तो नहीं, पर वो बताता है कि देखो ये फ्लिप स्टोन है, इसका नेचर है ऐसा ही है, वो क्या करता है अपने जो मैजिक है और मटेरियल है उसे चेंज कर देता है बिना मैजिक के इस्तेमाल किए हुए, और ये साथ साथ मैजिक करने में भी काम आता है मटेरियल। ओनी उसे बताता है कि ये मैजिक स्क्वायर को स्टोर करने के भी काम आता है, ये बात को सुनकर वो शॉक होती है। और यहाँ ओनी बताता है देखो हम लोग इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन को करें तो ये क्या कर सकता है, ग्रेविटी मैजिक को भी कंट्रोल कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा ही नज़दीक का है और आगे फ्यूचर में हम लोग नहीं जानते कि लोगों को जरूरत पड़ेगी कि नहीं मैजिशियन की, इसलिए हम लोगों को खास करके मैजिक स्टोर मतलब मैजिक स्क्वायर को स्टोर करने का तरीका खोजना होगा, यही हमारा काम है, तभी देखिए तुम्हें ये कहाँ मिलेगा। और उसके बाद ओनी पूछता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आई थी, तभी वो बताते कि तुम्हें यहाँ पे बुलाने आई थी, इस चीज ने तुम्हें मीटिंग के लिए बुला रखा है। पहुंचता है और उसे पता चलता है कि एक कंपटीशन बीत गया है पर एक कंपटीशन और आने वाला है, जो 9 गेम था वो फिजिकल कंपटीशन था और एक लिटरेसी कंपटीशन भी आने वाला है जिसके अंदर बाकी लोग हैं। और वो बताता है कि इस तरफ इचिजा होनरा और बाकी लोग भी है, और वो लोग कॉम्पिटिशन जो वो लड़की थी होनरा वो काफी ज्यादा मतलब डर गई थी, इसके लिए वो कॉम्पिटिशन में नहीं है और इसकी जगह पे हमने तुम्हें चुना है और तुम हमारे लिस्ट के हिसाब से काफी ज्यादा सुटेबल भी हो, इसलिए तुम हमारी टीम में हो। यह बात को सुनकर उन्हें बोलता है कि पहले बताओ कि मेरे को ही क्यों, फर्स्ट क्लास से हूं मैं तो। और वो बोलता है कि देखो तुम इसके लिए बेस्ट हो, हमने तुम्हें पहले ही चुन लिया है, जो डिटेल है इचिजा तुम्हें दे देगी। यहाँ इचिजा बताती है कि देखो मैंने तुम्हें रिकमेंड किया था, और उन्हें इस बात को सुनकर बोलता है कि देखो यहाँ पे तो पेपर वर्क की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा क्यों। और तभी वो बताती है कि सिक्यूमाटो था वो हमारे लिए सूट नहीं कर रहा था, ये बात को सुनकर उन्हें बोलता है कि उसमें से बंदा था वही है ना, और वो बोलती है कि हाँ वही। दूसरा बंदा बताता है कि जो काम है वो दोनों बंदों को मिल बांट कर करना पड़ता है, एक राइटर एक होता है प्रेजेंटेटर, इसलिए। और यहाँ पे ओनी तुम उसके काम से मतलब इचिजा के काम से काफी रिलेटेड हो, तुम इसके लिए सूट हो इसलिए हम तुम्हें चुना है। और ओनी बोलता है कि मैं कैसे इतना सूटेबल हूँ, तभी वो बताती है कि देखो मैं जानते हैं कि हम लोग को कंपटीशन में शुरू होने में 2 से 3 हफ्ते ही बाकी है, पर मेरे को पता है कि तुम भी ग्रेविटी मैजिक के ऊपर ही काम कर रहे हो और उसको कंट्रोल करने के फ्यूजन के बारे में, तो हम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं और हम लोग का एक सेम टॉपिक होने की वजह से मेरे को यकीन है कि हम लोग कर लेंगे। और ओनी इधर शौक होता है कि इसको कैसे पता चल गया कि मैं किसके
के बारे में काम कर रहा था, तभी वो बताती है, देखो मेरे को पता है मैं सब पे नजर रखती हूँ। ओनी उनकी बात को मान जाता है। उसके बाद वो बोलती है ठीक है मैं आगे की डिटेल तुम्हें देती हूँ। और उसके बाद वो बताती है ये एक कॉम्पिटिशन केवल हमारे हाई स्कूलर स्टूडेंट्स के लिए है, और साथ साथ इसके जो मेडिकल इंजीनियर के तौर पर होगा इस रिसर्च में के अंदर, और साथ साथ जो बंदे का कॉम्पिटिशन का मतलब पेपर सबमिट किया जाएगा उसे एड भी किया जाएगा बिजनेस पर्पज के लिए, क्योंकि हमारे या कायोका में ये जगह पे हो सकता है। पूरे अच्छे से रेडी होने चाहिए, और आपका स्पेल भी, और उस स्पेल को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा। उससे पहले आपको रिसर्च सेंटर में उसे एडवांस में भेजना होगा ताकि उसे चेक किया जा सके। और वो उसे बताती है कि देखो तुम्हारा काम 2 संडे के अंदर में हो जाना चाहिए, और उसे बोलती है कि तुम्हारा अपना काम करने के बाद युजुका सेंपाई को तुम्हें चेक कराना होगा वेडनेसडे से पहले। यहाँ सब लोग रेस्टोरेंट के अंदर बैठे होते हैं, और यहाँ पे हमारा जो यशोदा बताते हैं कि ओनी को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना गया है, ये बात को सुनकर सब लोग शॉक होते हैं और ओनी से पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ को ज्यादा खुश नहीं लग रहा। और यहाँ पे कहता है कि ओनी को ज्यादा उम्मीद थी। तभी यशोदा बताता है कि देखो अगर तुम लोग उसको जीत जाते हो तो तुम लोग जुपर नेशनल पे तुम्हारा आर्टिकल आएगा, और अगर नहीं भी जीतते हो तभी तुम्हारा जो साइंस बैच में है वहाँ पे तुम्हारा आर्टिकल आएगा, तुम्हारा पेपर आएगा। पर ओनी तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। तभी ओनी बताता है कि देखो मेरे पास केवल 9 दिन का टाइम है, उसके अंदर मुझे पेपर को सबमिट कराना। ये बात को सुनकर होनरा बिल्कुल शौक हो जाती है, और ये कहती है बहुत मुश्किल हो सकता है तुम्हारे लिए। रियो यहाँ उससे पूछता है कि तुम किसके बारे में लिखने वाले हो। तभी उन्हें बताता कि मैं यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक कंट्रोल के बारे में लिखने वाला हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। ये बात को सुनकर यहाँ पे यशोदा बोलता है कि देखो ये एक वेट टाइप का मैजिक है और इसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा टफ है। और यहाँ पे स्वेटा बताती है कि उन्हें तुम्हें कार्ड प्रॉब्लम के बारे में लिखना चाहिए, और यहाँ पे उसकी दोस्त भी इस बात से सहमत होती है। और यहाँ पे एरिक बताते कि देखो मैं जानती हूँ कि यहाँ पे एक की नाम की है लड़की, वो तुम्हें काफी ज्यादा मदद करेगी, और मुझे यकीन है कि तुम लोग इसे जरूर जीत जाओगे। और ये बात को सुनकर यहाँ पे ओनी की बहन भी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया था ओनी और उसकी बहन को, वो सीधे ही अपने घर की तरफ चले जाते हैं, और वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर गाड़ी लगी है, और वो समझ जाते हैं कि कोई तो घर पे आया है। वो जैसे एंट्री लेते वो समझ जाते हैं, और जैसे वो अंदर जाते हैं उन लोग को यहाँ पे सयू की स्वागत करती है, और वो बोलती है कि हमेशा की तरह तुम लोग साथ में ही हो। और ये बात को सुनकर म्यूजिक छुप जाती है, और वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ओनी उससे पर यहाँ पे ओनी की बहन उसके पास आती है और कहती है कि भाई तुम क्या खाना पसंद करोगे मुझे बताओ, मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। और वो बोलती है ओनी तुमको अभी भूख नहीं है, पर तुम जाओ सबसे पहले अपने कपड़े को बदल लो। उसे अपने भाई से पूछती है कि मैं कैसे कपड़े पहनूं, अगर तुम जैसे चाहो वैसे मैं पहन सकती हूँ। और ओनी बोलता है कि चलो एक्साइटमेंट में मत भरो। और उसके बाद उसकी बहन चली जाती है वहां से, और ओनी की ये सब बात सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है लड़की। और उसके बाद बैठती है और ओनी से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तभी वो बताता है कि तुम लोग अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो। और ओनी बोलता है कि आखिरकार हमारे सौतेली माँ हो तुम इसकी वजह से। और वो बताता है कि देखो वो म्यूजी छोटी बच्ची जैसी ही है, उसके पास भी वो बड़ी हो गई है, पर वो 15 साल की लड़की जैसी ही है, उसको इसका समझ में नहीं आता। सायुरी पूछती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, और ओनी बोलता है कि मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो पूछता है कि क्या काम है तुम ये बताओ। और उसके बाद वो बोलती है कि सबसे पहले मैं को तुम्हें यहाँ पे कुछ काम से बुलाए हूँ लेबोरेटरी के लिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज को छोड़ दो। और वो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक को गार्ड करने के लिए कुछ चाहिए होगा, और मेरे से अच्छा कोई बंदा वहाँ पे है ही नहीं। और वो बोलती है कि ओनी उसे बताता है कि देखो मैजिशियन की यहाँ पे बहुत शॉर्टेज है, और ऊपर से मेरे को रिप्लेस करना इतना आसान काम नहीं है। सायुरी बोलती है कि क्या तुम इतने बेस्ट हो, और वो बोलता है कि हाँ मैं उसके लिए बेस्ट हूँ, अगर ऐसा होता तो युत्सुबा फैमिली मुझे कब ना रिप्लेस कर दी होती, पर ऐसा भी नहीं है। वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे खेल रहे हो। ओनी बोलता है कि नहीं, यहाँ पे मेरे पास अपने मिलिट्री के डिवाइस को बनाने का काम है, और 20% मुझे उसमें से प्रॉफिट मिल रहा है। और ये बात को सुनकर वो हमारे काम में मदद करनी ही होगी। और उसके बाद उसके सामने एक रेलिक रख देती है जो रिनो स्टोन, ये देखकर ओनी बोलता है कि आगे कहाँ से आ गया। और वो ओनी समझ जाता है कि इसे यहाँ से मिलिट्री से उसे मिला है, और ये समझ जाता है कि सायुरी ने यहाँ पे जो मिलिट्री का ये जो रिल है उसको डुप्लीकेट करने का उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। ये बात को सुनकर ओनी गुस्सा हो जाता है, और उसे बोलता है कि तुम्हें पता है इस चीज को करना बिल्कुल नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसे आर्टिफिशियली बनाया नहीं जा सकता है। ऊपर से वो बोलती है कि देखो इसके अंदर मैजिकल स्क्वायर को स्टोर करने की एबिलिटी है। ये बात सुनकर ओनी भी शॉक हो जाता है, और उसे बोलता है कि अगर ये बात सच है तो वो बताती है कि देखो मैंने हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, और उसके डेटा के हिसाब से हमें पता है कि ये स्क्वायर को स्टोर कर सकता है। फिर ओनी समझ जाता है कि मिलिट्री इस बात को जानने के बाद ये बात को इग्नोर नहीं कर सकती, और इसको वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पर वो फिर भी बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ मेरा ये काम है, पर
ये इम्पॉसिबल है, इसको डुप्लीकेट करना। और वो बोलती है कि देखो तुम अपनी एबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो ओनी, और ओनी बोलता है कि देखो मैं अपनी एबिलिटी के साथ और एनालिटिक्स के साथ इसे करता भी हूँ, तब भी ये अभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। और उसके बाद वो बोलता है कि थर्ड डिविजन के पास भेज दो। ये बात को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, और वो अपना वो रेलिक लेकर चली जाती है। और ओनी की बहन ये सारी बातें सुन रही होती, तभी ओनी उसके पास आता और उसे बोलता है कि देखो मेरे को छोटा सा काम है तो मैं जा रहा हूँ, अपने गेट को बंद कर लेना और उसके बाद तुम अंदर ही रहना। और उसके बाद ओनी को दिखाया जाता है अपनी बाइक लेकर सीधा ही निकल जाता है उसके पीछा करते हुए स्टेप मदर का। और यहाँ पे जो हम देखते हैं गुंडे अचानक से आ जाते हैं और उसकी गाड़ी को रोक देते हैं उसकी स्टेप मदर को, और बाहर निकल कर आते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो तो अंदर बेहोश हो गई है और वो लोग बंदे रैली को चुराने ही वाले होते। तभी ओनी अपनी बाइक लेकर वहाँ से आ जाता है और उसे देखते ही वो बंदे गन तान देते हैं। ओनी एक झटके से ही उन पे अपना अटैक करता है जिसके बाद उनका जो वेपन है वो बिल्कुल टूट जाता और वो बंदे लोग शौक हो जाते कि ये कास्टम का इस्तेमाल भी नहीं किया और ये बंदा अचानक कहाँ से आ गया। उसके बाद ओनी अपने एक एक बुलेट से उन लोगों को घायल कर देता है और उसके पास वो जाकर देखता है कि उसकी स्टेप मदर कैसी है, वो बेहोश होती। तभी अचानक से एक गोली आकर सीधा ही ओनी के चेस्ट में लगती है और यहाँ लगता है कि ओनी तो काम से गया, पर कुछ देर बाद देखते पीछे छुप जाता है ओनी और अपने आप को वापस हील कर लेता है। यहाँ पे जो बंदे घायल होते हैं कोई अपनी मैजिक की मदद से उन्हें कार में ले लेता है और वहां से वो कार लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद शांति से बैठकर सोचता है और अपनी थर्ड आई का यूज करता है और उसे पता चल जाता है कि ये अटैक बिल्कुल दूर से किया गया है। उन्हीं को देखते हैं जो उस बंदे को देख लेता है दूर से ही, और उसके बाद वो बाहर आता है और वो बंदा उस पर टार करने लगता है। तभी उन्हीं अपने गन को तान देता है और सीधा ही उस पर एक फायर कर देता है जिसके बाद वो बंदा पूरी तरीके से वहां पे गायब हो जाता है और खत्म हो जाता है। उन्हीं इस तरह अपने जनरल को बता रहा होता है कि आप वहां के जो सीसीटीवी कैमरा उसको आप देख लीजिएगा, और वो बोलता है कि ठीक है मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और उसके बाद वो उन्हीं को बोलते हैं कि क्या तुम्हें भी कुछ दिक्कत हुई, और उन्हें बोलता है कि हाँ वो बंदा थोड़ा ठीक था पर मेरे को लगता है कि वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता था और इसकी वजह से उसने अचक हासा स्नाइपर का इस्तेमाल कर रहा था। और ये बात को सुनकर उसका जनरल बोलता है कि ठीक है इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत से कमी लोग हैं जो इतने अच्छे स्नाइपर को सप्लाई करते हैं, तो हम लोग उसका पता लगा ही लेंगे, उसका टेंशन बिल्कुल मत लो। तभी उसकी रिपोर्ट आती है और वो बताते हैं कि जो कार थी जो भाग गई थी उसे उन लोगों ने पकड़ लिया है, इसलिए जनरल उसे इन्वेस्टिगेट करने चले जाते हैं। और ओनी उन्हें शुक्रिया बोलता है उनको टाइम देने के लिए। ओनी की सिस्टर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और ओनी नोटिस करता है उसके पास न्यू एप्रन है, और वो बोलती है कि कैसी लग रही हो, और ओनी बोलता है कि काफ़ी अच्छी लग रही हो, और वो बताती है कि म्यूजिक के साथ वो गई थी इसलिए वो अपने लिए भी एक लेकर आती है। म्यूजिक पूछती है कि कैसी लग रही हो, और ओनी बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही हो, मेरा बस चले तो तुम्हें ग्लास के अंदर पैक कर दूँ। म्यूजिक बोलती है ओनी समा ऐसे आप क्यों कर रहे हो, और ओनी के पास बैठती है और उससे पूछती है कि वो औरत तुम्हारे पास क्यों आई थी, और ओनी बताता है कि वो अपने कुछ काम से आई थी। म्यूजिक से पूछती है क्या तुमने एक्सेप्ट किया, और ओनी बोलता है कि देखो वो काम तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, अब मैं उसे करना चाहूँ। इधर म्यूजिक को उसका सैंपल दिखाता है और वो देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि 19 कौन था, मतलब वो रेलिक था जिससे मैजिक स्क्वायर को स्टोर कर सके। ये देखकर वो शॉक हो जाती और पूछती कि तुम्हारे पास कहाँ से आया, और ओनी बताता कि उसे मिलिट्री की तरफ से मिला है इसे डुप्लीकेट करने के लिए है। और ओनी बताता है कि देखो वो लोग चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल करके मैजिक सीन को बिल्कुल तरह से गायब कर दे, इसलिए ओनी की सिस्टर बोलती है मुसीबत का काम हो सकता है। और ओनी बोलता है कि ये मैं कर सकता हूँ पर मेरे को डर है कि इसके बाद मैजिशियन लोगों की कमी हो जाएगी और लोग इसे टेक्निकली यूज करने लगेंगे, और हो सकता है कि लोग क्या करें इसका इस्तेमाल करके मैजिकल स्क्वायर को इकट्ठा करके एक पावरफुल स्पेल का बनाने लगे, जो बंदे मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते वो इसको यूज करेंगे और इसको एक वेपन की तरह इस्तेमाल करके वो लोग तबाही मचाएंगे। इसलिए उन इस चीज को करना नहीं चाह रहा होता, फिर भी उन्हें बताता कि मैं इसे इसलिए करना चाहता हूँ कि ताकि यहाँ पे जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते ढंग से वो भी मैजिक का इस्तेमाल कर सके डायरेक्ट मशीन के थ्रू, और ये एक लाइट की तरह काम करे। और इधर म्यूजिक की बहन उसकी बात खुश होती है। यहाँ दिखाया जाता है एक टेररिस्ट ग्रुप को जहाँ पे वो लोग पता कर रहे होते हैं कि वो उस मेटल के बारे में रेलिक के बारे में, और उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होती, और वो बोल रहे थे कि हमने एक अटेम्प्ट कर भी लिया है उसे पाने का पर हम लोग उसमें नाकाम रहे हैं, पर हम लोग पक्का उसे कर लेंगे। और एक बंदे है उसे पूछता है कि क्या वो सच में मैजिकल स्क्वायर को इकट्ठा कर सकता है, और वो बोलता है कि देखो हम लोग को हाथ में जब तक नहीं आता तब तक इस बात को हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पर ये बात तो पक्का है अगर ये जिसके अभी हाथ में लगा वो पूरी तरह से वॉरफेयर को चेंज कर सकता है, ये वॉर पावर को बिल्कुल बदल सकता है। और वो बोलते हैं कि देखो हमें किसी भी हालत में इस चीज को पाना ही होगा।